मध्य प्रदेश जन स्वास्थ्य रक्षा संगठन के जिला अध्यक्ष श्री बाबूलाल अंजना ने बताया है कि मध्य प्रदेश के शासन के यहाँ पर प्रशिक्षित प्रदेश में जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रदेश पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2018 के समय जो वचन किए थे, वचन पूर्ति के लिए सरकार के जन स्वास्थ्य रक्षकों के शिक्षक के साथ ही यहाँ पर परीक्षण हेतु सर्वे आदेश जारी कर दिया है। 15 वर्षों से स्वच्छ विभाग के साथ ही अपने सब यहाँ पर ही सहभागिता वंचित जन स्वास्थ्य रक्षकों के साथ ही हर्ष व्यतीत की है। जन स्वास्थ्य रक्षकों ने मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी रक्षक योजना के जनक राज्यसभा संसद पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री दिव्य जनों के साथ यहां पर कांग्रेस के युवा राष्ट्रीय नेता पूर्व सांसद माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और प्रदेश के यशस्वी स्वच्छ मंत्री माननीय श्री आशु प्रदेश के उन सभी नेताओं ने जहां पर कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद देना तय कर दिया है। प्राइम लीग न्यूज शनि के लिए खास रिपोर्ट। प्रश्न अच्छा है आपने। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मध्य प्रदेश सरकार ने जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिए जो वचन दिया था उस वचन की पूर्ति के लिए सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है जी। उन्होंने 11/12/2019 को जन स्वास्थ्य रक्षकों के सर्वे का एक आदेश निकाला है। उस आदेश के तहत जन स्वास्थ्य रक्षकों की जानकारी पूरे प्रदेश भर से ली जाना तय थी और उस कार्यक्रम के कारण जो है जन स्वास्थ्य रक्षकों जो पिछले भारतीय विगत 15 वर्षों से जो अपने स्वास्थ्य विभाग से वंचित थे उनमें स्वास्थ्य विभाग के साथ जुड़ने की एक आस जगी जी। तो सरकार के इस बढ़ते कदम पर मध्य प्रदेश जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन सरकार का आभार कार्यक्रम करना चाहता है। इस पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का एक कार्यक्रम होना है संभाग स्तर पर जी। आज उज्जैन संभाग में भी पहला कार्यक्रम जो है संभागीय कार्यक्रम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था सरकार को इस बढ़ते कदम पर जन स्वास्थ्य रक्षकों की ओर से धन्यवाद देना और धन्यवाद देकर सरकार को यह बताना कि जन स्वास्थ्य रक्षक जो है मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से उपयोगी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान आकर्षण जी। अब आगे आपकी सरकार से क्या मनसा है, क्या इच्छा है? सरकार से हमारी मनसा है, हमारी मांग है कि सरकार सर्वप्रथम जो वचन पत्र में दिया है कि हम अथॉरिटी कमेटी का गठन करेंगे जी। तो उस अथॉरिटी कमेटी का जो गठन के लिए हमने एक जो प्रारूप बनाया है उस प्रारूप के अनुरूप जो है सरकार अति शीघ्र अथॉरिटी कमेटी का गठन करे। अथॉरिटी कमेटी का गठन होने पर जन स्वास्थ्य रक्षकों की क्या है मासिक समीक्षा बैठक होती रहेगी और उस मासिक समीक्षा बैठक से जन स्वास्थ्य रक्षकों के प्रति जो आदेश निकले हैं उन आदेश पर क्या कार्रवाई हुई है और आगे जन स्वास्थ्य रक्षकों के प्रति क्या क्या हम कर सकते हैं या सरकार क्या निर्णय ले सकती है सरकार का। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को